हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से प्रिंस नरूला ने रोडीज क्विट किया। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, प्रिंस नरूला ने रोडीज क्विट किया। जब से रोडीज का नया सीजन आया है, कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और कंट्रोवर्सी होने का सबसे मेन रीजन है रिया चक्रवर्ती। रोडीज के साल के सीजन को सिर्फ और सिर्फ बॉयकॉट करने की बात की जा रही है क्योंकि उसमें रिया चक्रवर्ती एज अ गैंग लीडर हैं। इवन प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में लोग भर भर कर गालियां लिख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को शो से बाहर निकालने की, अदरवाइज कोई भी इस साल के सीजन को नहीं देखेगा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गौतम गुलाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आकर ये बात कही कि देखो भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूँ, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आया हूँ, ये मेरा काम है, इस चीज के मुझे पैसे मिलते हैं, कोई इससे अपना कमबैक कर रहा है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कमबैक से मतलब था कि रिया चक्रवर्ती को ना तो मूवीज मिल रही हैं ना टीवी शोज, और इस इंडस्ट्री में रोडीज उनके लिए एज अ कमबैक ही है। हाय एवरीवन, सो कुछ न्यूज़पेपर वाले अभी हेडलाइन लगा रहे हैं मेरे बारे में, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो बता रहे हैं कि प्रिंस नरूला किसी के सपोर्ट में उतरा। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं उतरा भाई, मैं सिर्फ अपना काम करना है, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं रोडीज़ के लिए आया हूँ, मैं आप सबके लिए आया हूँ, मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। सपोर्ट जनता करती है, जिसको भी करना चाहती है, जिसको नहीं करना चाहती, मैं किसी के कमबैक के लिए यहाँ पर हल्लाशेरी नहीं कर रहा हूँ। असली कॉन्ट्रोवर्सी तो तब हुई जब प्रिंस और रिया के बीच में ड्यूरिंग द रोडीज शूट एक लड़ाई हो गई। वेल, बताया जा रहा है कि प्रिंस और रिया के बीच में एक टास्क को लेकर भयंकर बहस हो गई। जब रोडीज की शूटिंग होती है उसमें जो क्रू मेंबर्स काम करते हैं उनका यह कहना है कि प्रिंस नरूला बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं इस सीजन में दोनों ही गैंग लीडर्स को लेकर। अभी वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि दोनों के बीच में बहस का रीजन क्या था, लेकिन रिया ने प्रिंस पर इल्जाम लगा दिया है कि वो उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं शो में। प्रिंस नरूला इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने शूट को बीच में ही छोड़ दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गए। वेल, सीम्स लाइक कि किसी को भी रिया चक्रवर्ती एज अ गैंग लीडर इस सीजन की पसंद नहीं आ रही हैं और हर कोई चाहता है कि रिया की जगह किसी और को शो में लेकर आया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है ना, आई गेस गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला भी परेशान हो गए होंगे शो को लेकर, क्योंकि रोडीज के ऑलमोस्ट सारे ही सीजन ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं पिछले सीजन को छोड़कर, और एक रेपुटेटेड शो को इस तरीके से बर्बाद करना कहीं की समझदारी नहीं है। मुझे कोई इनसाइडर वीडियोस मिलती हैं तो मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगा, बट मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। और आप लोग के अकॉर्डिंग प्रिंस रिया के बीच में ऐसी क्या ही बहस हुई होगी कि बात इतनी आगे बढ़ गई। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।